जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं विधायक के निवास के बाहर यानी देवीश्वर चौराहे पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। दरअसल आज पंचायती राज चुनावों के नामांकन की आखिरी डेट है, और उस आखिरी डेट के चलते आज टिकटार्थियों की यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, जो टिकट की चाह रखते हैं और ये कांग्रेस से टिकट लेकर के और फिर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हालांकि विधायक महोदय ने अपना जो मुख्य रास्ता है, मुख्य जो दरवाज़ा है एंट्रेंस, उसे बंद कर रखा है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं के साथ में और टिकट चाहने वालों के साथ में मुलाकात ज़रूर कर रहे हैं, और सबकी इच्छा है, सब अपना अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि देवीश्वर चौराहा जो है वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, और आज आखिरी दिन है, तो सभी को उम्मीद है जो भी कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे हैं, विधायक साहब की यदि थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए, सिफारिश हो जाए, तो शायद ये टिकट की दौड़ में शामिल हो जाएं और उन्हें टिकट मिल जाए। विधायक निवास जो है वहाँ से उम्मीद और आस लगा करके लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ है, और अलग अलग गांवों से अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हैं जो टिकट की चाह रखते हैं और टिकट लेने आए हैं। आइए कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कहाँ से आए हैं और क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, विधायक साहब से उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये हम जानना चाहेंगे। अरे गेट लगा रहा है या खुलवा? सर कहाँ से आए हैं आप लोग? मैड़ी से, टिकट के चक्कर में। वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस का टिकट ये लोग चाह रहे हैं। अच्छा, अभी कोई आश्वासन मिला विधायक साहब से, कोई मुलाकात? नहीं हुई। कम से कम 150 आदमी है गाँव के, इधर 150 आदमी है। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और टिकट की आस लगा करके आए हैं, और आज आखिरी दिन है, इस वजह से इन लोगों को थोड़ी सी चलिए, और हम भी कोशिश करेंगे विधायक साहब से मुलाकात और उनका फीडबैक हम लें कि वो क्या था प्रक्रिया चल रही है टिकट को लेकर के। और ये लोग वार्ड नंबर 14 से टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट की।